क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल का रोमांचक आगाज, पीसीए का ड्रीम प्रोजेक्ट मुल्लांपुर स्टेडियम आखिर आईपीएल के आगाज से रंगारेज है। क्या और तैयारियां हैं? फैंस फ्रेंडली ये टूर्नामेंट की बात की जाती है, आगे इस स्टेडियम में और क्या होगा और किस तरह से तैयार है आईपीएल के लिए, इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमरजीत सिंह मेहता। मेहता जी, जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था पीसीए का, आईपीएल का बड़ा एक टूर्नामेंट, उससे आगाज हो रहा है नए स्टेडियम में। बिल्कुल, देखो 23 तारीख से इसका आगाज है और बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे चेन्नई में ओपनिंग हुई आईपीएल की और उसके बाद आज पंजाब में पंजाब की बच्चियों जैसे सोनम बाजवा जी और शाहद गिल, इन दोनों की परफॉर्मेंस है। इसके अलावा तकरीबन 400-500 भंगड़ा, गिद्दा, गतका और ऐसे और बहुत सारे, जैसे नॉर्मली आप देखते हो मिकी माउस या ऐसे, हमने काफ़ी चीज़ें तैयार करी हुई हैं। काफ़ी लोग उत्साहित है और ये पंजाब के क्या जो भी मोहाली से स्टेडियम से प्यार करते हैं, जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है भी इस स्टेडियम में इतना बड़ा परफॉर्मेंस के साथ एक आईपीएल का आगाज हो रहा है। और जैसे ही मेरी पहली इंटरव्यू मैंने बनते ही दी थी भी, मैंने वादा किया था सबसे भी मेरा नेक्स्ट आईपीएल में नए स्टेडियम में नई फैसिलिटीज के साथ, क्योंकि फैंस जो हैं उनको कई बार पुराने स्टेडियम में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती थी, जब सीट्स कम थी, लोगों को कई बार लोग रह जाते थे टिकटें लेने से। तो इसमें देखो बड़ा स्टेडियम, ज़्यादा सीट्स, अच्छी परफॉर्मेंस और आईपीएल का आगाज, ये एक पंजाब में मुल्लांपुर स्टेडियम में पीसीए के लिए, पीसीए की पूरी फैमिली के लिए, चाहे वो हमारे ऑफिस बीरर्स हों, चाहे हमारे अपेक्स मेंबर हो, चाहे हमारे लाइव मेंबर हो, जो भी पीसीए के साथ जुड़ा है उसके लिए आज ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैंने बड़ी बार रिपोर्ट वहां से की है स्टेडियम से, आपने जब आपकी टीम ने बार बार बताया, फाइनल देखिए मैच खेला जाता है 22 गज की पिच पर, प्लेयर्स अंदर खेलते हैं, उसके बाहर की परफॉर्मेंस पीसीए करता है कि उनको फैसिलिटी देना और फैंस फ्रेंडली। मैं बहुत इसलिए कह रहा हूं कि आईएस बिंद्रा स्टेडियम से जो हैप्चुल हैं अब वो मुल्लांपुर के लिए हैप्चुल हो जा रहे हैं, फैंस के लिए क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं? क्योंकि पहला एक ऐसा स्टेडियम है कि अभी फैंस जाएंगे, गेट, टिकट, कहाँ से एंट्री, कहाँ से निकलना, क्या क्या होगा? देखो वो पहली बात तो ये है, अभी इसमें बहुत सारे गेट्स हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड जो हमारा स्टेडियम है। उसके अलावा ये आज के लेवल की देखिए, इसमें आर्ट, मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट जो फैसिलिटीज, चाहे वो प्लेयर्स के लिए हैं, चाहे प्लेयर, चाहे आपके टेरेस है, चाहे आपका मतलब बॉक्सेस हैं, चाहे आपका ग्राउंड है, चाहे आपकी सीटिंग्स है, बिल्कुल नई सीटिंग्स, नई चेयर्स, तो चाहे लाइटिंग है, तो हर चीज़ इसमें आज की डेट के हिसाब से अपग्रेड है। तो फैंस के लिए यहाँ तक नहीं है, ये तो एक ट्रेलर है इस नए स्टेडियम का। आने वाले टाइम में इसमें और बहुत अपडेशन होनी है, जैसे क्लब बनना है, हमारी अभी प्लानिंग है, काफ़ी चीज़ें हमने अभी विचार कर रहे हैं, जैसे क्लब बिल्कुल बनना है, इसमें हम मेंबरशिप इसकी क्लब की खोल रहे हैं, क्लब बनना है, देन इसमें हम विचार कर रहे हैं बहुत बड़ा बैंक्वेट हॉल, देन हम इस पे विचार कर रहे हैं एक बहुत अच्छा 5-star होटल। तो आने वाले टाइम में फैंस के लिए जो हम कर सकते हैं उस पे हम विचार कर रहे हैं और ये तो एक जस्ट ट्रायल है। आप देखोगे बहुत कुछ इसमें आपको आने वाले टाइम में इस स्टेडियम में मिलेगा। जैसे मैंने पहले वादा किया था भी मैं आईपीएल यहां करवाऊंगा, ऐसे मैं आगे वादा करता हूं भी इसमें अपग्रेडेशन पक्का होंगी। अभी तो क्योंकि मेरे पास ये पहला साल था,